मुगल एम्पायर का नेक्स्ट रूलर कवर करते हैं हुमायूं। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1530 से लेके 1540, ये 10 साल, एंड 1555 से 1556 एक साल। ये बीच का टाइम कहाँ गया, अभी ये डिस्कस करेंगे, ये पता इसमें चलेगा। देखो, हुमायूं बाबर की मौत के बाद हुमायूं मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, मतलब मुगल एम्पायर को संभालता है 1530 में, ठीक है, राजा बन गया। एक्चुअली जब ये राजा बना तो इसको ना मतलब चैलेंज का सामना करना पड़ा। किससे चैलेंज का सामना करना पड़ा, ये अफगान, ठीक है, और बहादुर साहब गुजरात, ये लोग इसको चैलेंज कर रहे थे, ठीक है, इसको चैलेंज कर रहे थे, मतलब इसके एम्पायर को कैप्चर करना चाहते थे, तो इनसे उसको लड़ाई लड़नी पड़ी। तो दो लड़ाइयाँ हुई हुमायूं की, एक तो होती बैटल ऑफ चौसा 1539 में, एक होती बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, 1540 में। ये जो दो लड़ाइयाँ थी, हुमायूं के खिलाफ लड़ कौन रहा था, शेरशाह, ये अफगान था, शेरशाह लड़ाई कर रहा था। मगर इस लड़ाई में ऐसा होता है कि जो बैटल ऑफ कन्नौज होती है 1540 वाली, उसमें हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हार गया तो अभी इसको लगा कि शेर शाह तुमको पकड़ के मार ही डालेगा, ठीक है, तो इस वजह से बचने के लिए भाग जाता है। ये भाग जाता है यहाँ से परसिया, परसिया वो ईरान वाले एरिया में, वहीं भाग जाता है, और वहाँ जो परसिया का किंग होता है उसके यहाँ ये शरण लेता है, शेल्टर लेता है, ठीक है, वो इसको थोड़ा प्रोटेक्शन दे देता है, अब ये वहाँ रहता है। उसके बाद यहाँ पर इंडिया में, तो यहाँ पर ये इस्टैब्लिश हो गई शेरशाह सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी डायनेस्टी, सूर डायनेस्टी यहाँ रूल करने लगी। फिर ये जब सूर डायनेस्टी कमज़ोर होती है 1555 के आसपास, ये देखता है कि सूर डायनेस्टी तो कमज़ोर हो गई, तो ये क्या करता है, फिर से यहाँ अटैक करता है इंडिया में, ठीक है, फिर से अटैक करता है और यहाँ पर इनको हरा के फिर से अपना मुगल एम्पायर पूरा वापस ले लेता है, ठीक है, वापस पा जाता है। और हालांकि एक साल ही उसके बाद ये रूल कर पाता है, इसकी मौत हो जाती है। इसकी मौत कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। एक्चुअली इसने दिल्ली में ना एक सिटी बनवाया, ठीक है, एक न्यू सिटी बनवाई जिसका नाम रखा इसने दीनपना, दीनपना, वहीं पर इसने एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनवाई, ठीक है, तो उसी लाइब्रेरी में ना ये किताबें पढ़ने गया था, इसको किताबें किताबें पढ़ने का शौक था, तो पढ़ने गया तो सीढ़ियों से उतर रहा था, बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बनवा दी थी, तो उससे उतर रहा था तो उसका पैर फिसल गया, तो फिर गिर गया, चोट वोट लग गई और घायल हो गया, तो कुछ दिनों में इसकी मौत हो गई। मतलब इस तरीके से इसकी मौत हो जाती है। अभी मौत हो जाती है तो इसके बाद इसका बेटा बनेगा, ठीक है, वो अकबर होगा, उसको आगे देखेंगे हम, ठीक है। अभी इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो इसने ना दो मॉस्क बनवाई, एक तो जमाली मॉस्क और एक है मॉस्क ऑफ ईसा खान दिल्ली में, ये दोनों के दोनों दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो विडो थी, विडो का नाम है अमीदा बानू बेगम, उन्होंने हुमायूं टॉम्ब बनवाया। हुमायूं टॉम्ब भी दिल्ली में ही है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है। तो उसके बाद हुमायूं की सिस्टर है, उनका नाम है गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है, ये बुक है हुमायूं नामा, ये इन्होंने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। उसके बाद मुगल एम्पायर में जो पेंटिंग की स्टार्टिंग है, पेंटिंग करना ये हुमायूं के समय से स्टार्ट हुआ था। हालांकि ये जो पेंटिंग करवाना, ये पेंटिंग करना, ये सब परसिया से ही इसने स्टार्ट कर दिया था, जब वो ईरान में उस समय रुका हुआ था, वहीं से जब इंडिया आएगा तो इसको और लार्ज स्केल पे करवाएगा, ठीक है। एक्चुअली जब वो परसिया से आया था ना, दो पेंटर वो अपने साथ लेकर आ गया था, तो एक है मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद, ठीक है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये दोनों इंडिया आ गए, और ये दोनों जब इंडिया आए ना तो ये काफ़ी फेमस हो गए थे, ये काफ़ी फेमस पेंटर हो गए थे अकबर के समय में, ठीक है, इन्होंने काफ़ी फेम हासिल करी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने देखा, मैंने बताया था कि शेरशाह सूरी, ये सूरी डायनेस्टी 1540 से लेके 1555 तक, हालांकि ये शेरशाह जो होता है वो 45 तक ही रहता है, और उसके बाद 10 साल तक और रूल करेंगे इसी डायनेस्टी के राजा, ठीक है, तो उसको एक्चुअली हम कवर करेंगे, वो अगले वीडियो में कवर करेंगे।